बाबूजी 10 बज गए अभी तक नहीं उठे। बाबूजी उठो ना, चाय नाश्ता कर लो फटने। बाबूजी बाबूजी ओह नो बाबूजी कैसे नहीं बोलते भाई। बाबूजी बाबूजी ओह नो बाबू जी ए जी कहाँ हो जी? ए जी कहाँ गए? क्या इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ ना, धीरे धीरे पैर मंडाओ तुम्हारा दिमाग। क्या हो गया वो जी? वो बाबू जी जी कहाँ हो? अंदर सोई, कब से जगा रही हूँ, एक नहीं उठ रहा है, ढकल डाली पूरा। अरे तो नींद गहरी होगी ना, ऐसी कैसी गहरी, पूरा ऐसे हिला दी हूँ ना। आओ तुम जाके देखो ना, मेरे को तो कैसा कैसा लग रहा है। आते तो दिमाग उठे कैसे उठे, सांस ही नहीं चल रही है वो। ओह नो मैं भी तो कब से ढकल रही थी, मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, वहां जाके ये थर 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 लगने लगा मेरे को देख के। ओह नो क्या बताऊं मैं, तुमने ढकले ढुकले के नहीं उनको? अरे दूर सच देखा ऐसा, मैं ऐसा हाथ ले गया था किनारे, थोड़ा सा ढकल ढुकल के देखना था ना तुमको, हो सकता है मेरे से नहीं उठे तुमसे उठ जाते। भूत तो कई आधा घंटा से सोए, उठा ही नहीं रहा है। तो मैं एक बार जगाने गई थी, नहीं जगे, फिर गई और जगाने के लिए, नहीं जगे, तो मैं तुम्हारे पास आ गई। अरे तो हर बार तो तू एक बार बोलती है तो उठ जाते थे वो। इस बार जरा धीर से बोलती हूँ जी, ज्यादा चिल्ला चिल्ला के नहीं बोली ना मैंने, तो चिल्लाना था ना साली, ऐसी घोपड़ मेरे पे चिल्लाती हूँ। मेरे पे काहे के लिए चिल्ला रहे हो, नहीं उठ रहे हैं तो जाके उधर उठाओ ना, खराब करोगे। क्या बताओ मैं, क्या नहीं, एक बार और जाओगे क्या? अरे क्या जग जाऊंगा वहां पे, मेरा तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी। अच्छा। साला इन मौके पे अच्छा खासा तो भात खा के सोए थे नहीं रात में, हो सकता, क्या हो सकता है, तू बोला तू पहले बोल ले, हो सकता है ज्यादा खाते तो ज्यादा नींद आ जाती है। साली 10 बज गए ना अभी तक, तो मेरे पे काहे के लिए चिल्लाते हो कहती हूँ, कहीं मुट्ठा नहीं पट तो नहीं गया? ओह नो ऐसा मत बोलो, नहीं तो क्या होगा, अपना कोई नहीं है पालने पोसने वाला अपन को। धीरे मोहल्ला भर के सुनेंगे तो सबके सब आ जाएंगे, अभी आएंगे चुनाव तो काहे के लिए नहीं आएंगे, देखने तो आना पड़ेगा उनको। ओह नो अभी पक्का थोड़ी हुआ है वो, तो अच्छा से उठा के आना था तो फिर काहे के लिए बोलते हो मर मुर गया करके, सास ही नहीं चल रही है। अच्छा से नहीं क्यों? हाँ ना तो फिर तो निपट ही गया ना, ये ऐसे ही बोला ना तो फिर सांस नहीं चल रही है तो गए हो गए काम खत्म, बेड़ा पार। तो धीरे कौन संभालेगा घर द्वार को अब बताओ, मेरे ऊपर सबरा आ गया। अरे तेरे ऊपर ना, अभी मेरे ऊपर आ गया, अभी मर गया होगा तो रोटी कहाँ से करेगा आदमी। तुमको तो रोटी की पड़ी है, आगे घर द्वार कैसे चलाऊंगी ये सोच रही हूँ मैं पूरे। अरे पैसे वो बात की बात है, सबसे पहले तो रोटी करना पड़ेगा, आज की मैली कल की चौकी, फिर तीसरा फिर तेरसी, और साला एक तो लकड़ी गीली हो गई है, सब पर जलेंगी क्या नहीं, खाना कैसे बनेगा, वो टेंट लगाएंगे तो फालतू का खर्चा है साला, भर 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 हवा में उड़ जाएगा खर्चा ही खर्चा है, नहीं करेगा तो लोग नाम पकड़ेंगे। पूरा सत्यानाश है घर में, किसकी किसकी बुरी नजर लग गई थी अपने घर को। अरे घर थोड़ी कुछ हुआ है घर को, तो बाबूजी को तो हो गया जी, घर में रहते हैं ना। बाबूजी को बोल साली घर को कहती साली कलमुई, तेरे ही जबान लगी। अरे तो मैंने क्या करी, मेरे को कलमुई कह रहे हो तुम? तूने रात में उल्टा सीधा तुम्हारा बाप मर जाए ऐसी एक बार बोली थी तूने? अरे तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ जी, मैं सचमुच का थोड़ी बोलती हूँ ऐसा कुछ। अरे पर ऊपर वाले ने तो तेरी सुन लिया क्या? ओह नो काली मुंह तो ऐसा, तो ऐसा दुनिया भर का बोलोगे मेरे को, अब तो बोलोगे तो कोई बोलने वाला भी नहीं है मेरे पीछे, अब तो साइनी हो गई तू घर की। चलो ना उधर तक, इधर ही बैठ के दिमाग खराब करोगे मेरा। वहाँ क्या कर लेगी ये भांगा, कहाँ है हमारे यहाँ के, और उनको तो कोई चिंता नहीं है, सुबह उठ के चले जाते हैं खेलने कूदने। पूरा सत्यानाश दिमाग को भाई, कोई करने वाला नहीं है। ओह नो
अच्छा खासा बोली थी, नाश्ता पानी सब बना दी, चलो खा लो पी लो करके, टूटे नहीं मेरे हाथ से भी। एक तो रोटी के लिए पैसे नहीं है मेरे को, उसका टेंशन हो गया। तुम ले दे के रोटी रोटी कर रहे होगी। अरे तो लोगों को खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। तुम अभी का सोचो ना। अभी की तो सोच रहा हूँ, लोगों के यहाँ जा जाके खाए पेट भर भर के। तो बैठे होगा सत्यानाश हो गया रे, बाबूजी नहीं उठ रहा, उधर उठा रही हूँ उधर भैया। ऐसे काहे के लिए, तुम लोग पागल हो है? जो आदमी उठता नहीं उसको उठा लिया जाता है। तो डायलॉग बाजी मत करे। अरे पिक्चर में सुना था का? अब मैं तो ये घर है अपना, काहे का घर है। अब किसको बाबू बोलेगा तू रे? ये इसको काहे को बोलूंगा? हाँ बाबूजी को बोलूंगा ना। अरे वो सो रहा होगा का? अच्छा ऐसा कोई सोते हैं क्या बे? चलो मैं बताता हूँ, मैं उसको उठाता हूँ, एक धोती ऐसा खींचूंगा ना तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उठ जाएगा। चल तू भी पूरा बेबला है रे, तेरे को संभालने वाला कोई नहीं, कम से कम दो चार लात मार के तो सुधार देते थे तेरे को रे। देख रेख मेरे कोई करना पड़े। बाबू था तो तेरे को गाली दे देता था, पर फिर प्यार से मेरा तो मारता काहे के लिए था? तू तो थारे लाडला रे, वो बाबूजी का रे। अरे नहीं मर, अब चार ज्यादा बैंडोर हो जाओगे तुम दोनों। आओ ओह नो, मैं भी रोऊं क्या? कोई डर दो का तो है क्या? रोएगा ना क्या ना, जिंदगी भर के रोना लग गया भोसड़ी के, तू समझता बड़े। अरे भोसड़ी का बाबू को भी बता के तो मरना था, कोई जुगाड़ नहीं है आदमी के पास में अभी रोटी पानी के लिए, कैसा करूंगा ना, लकड़ी की चीज हो गई का वो, किसको मांगने जाऊंगा मैं भरी गर्मी में बरसात में पानी गिरता। सुन तो मैं पैरा ला लेता हूँ, कोठे में रखी है, वाली से जला देते। अबे तू एक काम कर, गाँव में जाके दो चार इनको बता दे, वो पूरे गाँव में बता देंगे, वारे ट्रैक्टर घुमा ले, कंडा लकड़ी सब जमा करवा ले, अपने घर की मत निकालना है, बारिश में काम आएंगे भाई। फिर भी तुमको अपने घर की पड़ी है जी, अपने घर की नहीं तो दूसरे के घर की लेके जाएंगे। तो जाने वाला तो चले गया क्या? पूरी दौलत लुटा दूं क्या? सही में बाबू मर गया का? आओ मैं टोपी पहनना पड़ेगा। तुम तो तैयारी कर, चावल वावल सब सिक्के विक्के डाल रहे, तो देखेंगे मुर्रे मुर्रे जब हो गया था। जल्दी आना है, तो दिमाग काम नहीं कर रहा जी, कैसे थर 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 लग रहा है पूरा हाथ पांव। मैं तो पूरा सूखने लगा पिंकी। अच्छा जितने की तो उतने दिख रहे हो मेरे को। अब कैसे करेंगे कुछ समझ नहीं आता मेरे को। चल देखते हैं उधर कुछ कुछ, फोन वोन लगाते हैं सब रिश्तेदार गिन को, चल बताते। किसके